हेलो गाइस, दिस साइड आकाश माथुर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल। ये हमारा नाइन्थ ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से जो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैन एफ फंक्शन है उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने एक प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन के बारे में। तो जो हमारा प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन है हमारे, ये पहले से इनबिल्ट आते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में। तो जो हमारी सी लाइब्रेरी है उसमें जो हमारे डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं उनमें हमारे प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शंस पहले से ही इनबिल्ट आते हैं। और ये जो फंक्शंस हैं हमारे प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये पहले से ही डिफाइन किए गए हैं हमारे stdio.h हेडर फाइल में। और डिफरेंट टाइप्स के जो भी हमारे फंक्शंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हेडर फाइल्स में पहले से ही डिफाइन किए गए हैं। और अगर हमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम में, तो उससे पहले हमें इंक्लूड करना पड़ता है हमारी stdio.h हेडर फाइल को। अगर आपने इंक्लूड नहीं किया stdio.h हेडर फाइल को, तो हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन की। तो जो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है, बेसिकली ये जो भी हमारे जो भी एक्शंस होते हैं उन्हें प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल में होता है। जैसे कि जो भी हमारे करेक्टर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट, इंटीजर, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज़, तो इन्हें आउटपुट स्क्रीन में शो कराने के लिए, इनका जो भी आउटपुट है उन्हें शो कराने के लिए, या जो भी हमें किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना है तो उन्हें प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो हमारे फॉर्मेट है स्पेसिफायर है %d, तो हम %d का इस्तेमाल करते हैं इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए डिस्प्ले स्क्रीन में। इसी तरीके से हमारा जो %c है उसके थ्रू हम डिस्प्ले करा सकते हैं अपने करेक्टर को अपने डिस्प्ले स्क्रीन में थ्रू प्रिंट एफ। या फिर हमें कोई दूसरी चीज़ या बिल्कुल सिंपल सा कोई टेक्स्ट वगैरह भी प्रिंट कराना हो, तो उसके हेल्प से हम प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से भी हम प्रिंट करा सकते हैं। या हमें किसी फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराना हो, या फ्लोट वेरिएबल की किसी डेटा को प्रिंट कराना हो, तो %f, मतलब जो भी हमारी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f, तो इसके थ्रू हम हमारी जो भी फ्लोट वैल्यूज़ हैं उन्हें प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू। या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं %s, जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसकी हेल्प से, या फिर %lf या %x फॉर हेक्साडेसिमल वेरिएबल के लिए। उसके बाद अगर हमें कोई जनरेट करनी है न्यू लाइन, तो उसके लिए हम \n का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रिंट एफ में। जैसे कि हमने कोई स्टेटमेंट लिख दी और उस स्टेटमेंट के बाद हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है उसे हमें नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना है, या जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है उस पर ऐसा आउटपुट आना चाहिए कि एक लाइन के बाद, एक स्टेटमेंट खत्म होने के बाद दूसरी स्टेटमेंट हमारी नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जानी चाहिए, तो इसके लिए हम \n का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम प्रिंट एफ की हेल्प से जो भी हमारा सिंपल प्रिंटिंग है, या जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, या डेटा टाइप के जो भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए डिस्प्ले स्क्रीन में हम प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि जो हमारी सी लैंग्वेज है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर हम प्रिंट एफ में जो भी हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है अगर इसे किसी भी लेटर को कैपिटल कर दे, तो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारी सी लैंग्वेज है केस सेंसिटिव है। जैसे कि नॉर्मली हम प्रिंट एफ को सारे स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, और जितने भी स्कैन एफ के लेटर्स हैं उन्हें भी स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। अगर आपने कोई भी लेटर कैपिटल कर दिया है, या कोई भी अगर आपने ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं किया, या प्रिंट एफ जो भी जितने भी लेटर्स हमारे प्रिंट एफ और स्कैन एफ के अंदर उसके अगर आपने किसी भी लेटर को कैपिटल कर दिया, तो हमारा ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो जितने भी करेक्टर्स हमारे प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन के, वो शुड बी लोअर केस में होने चाहिए। अब बात करेंगे हम स्कैन एफ फंक्शन की। तो स्कैन एफ फंक्शन बेसिकली रीड करने के लिए होता है करेक्टर, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, या फिर कोई भी डेटा जो इनपुट कराया है यूज़र ने, उस डेटा को रीड करने के लिए हमारा स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल में आता है। स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू जो भी डेटा यूज़र ने इनपुट किया है वो डेटा हमारा स्कैन एफ फंक्शन रीड कर लेता है, और जो भी डेटा आया और जिस टाइप का डेटा आया, तो और जिस वेरिएबल में हमने कोडिंग कर रखी है उस वेरिएबल में वो डेटा सेव होगा। तो जो भी डेटा इनपुट किया गया वो डेटा जाके सीधा उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, और उस वेरिएबल और जो हमारा वेरिएबल में डेटा सेव हो चुका है, तो उस डेटा का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं, आगे एक्शंस लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, ये हमारे यूज़ होता है, जैसे कि अगर हमने %d का इस्तेमाल किया फॉर्मेट स्पेसिफायर अपने स्कैन एफ फंक्शन के अंदर, तो इसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, और जो भी यूज़र ने इनपुट दिया, तो हमारा स्कैन एफ फंक्शन रीड कर सकता है कि जो भी इनपुट आया, और हमने उसे पहले ही बता रखा है स्कैन एफ फंक्शन को कि %d मतलब इंटीजर, जो मेरा इंटीजर डेटा टाइप का जो भी हमारा जो भी डेटा आएगा यूज़र के थ्रू, तो उस डेटा को रीड कर लेगा, और जिस वेरिएबल में हमने कोडिंग कर रखी है कि जो भी डेटा आ रहा है वो किस वेरिएबल में सेव होना चाहिए, तो उस वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट हमारे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, तो डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करा सकते हैं अपने वेरिएबल्स में, इन डिफरेंट डेटा टाइप्स में।
तो जो हमारा परसेंट डी है उसकी हेल्प से जो भी हमारा डेटा था वो हमारे इंटीजर में आके सेव हो गया। और जो परसेंट एस के लिए हम स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे टाइप के डेटा टाइप्स हैं उनके लिए हम उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं कि जो जो भी डेटा आ रहा है वो उसी डेटा टाइप के वेरिएबल में जाके सेव हो। उसके बाद हम स्कैनएफ के अंदर एम परसेंट का भी इस्तेमाल करते हैं बिफोर वेरिएबल नेम, क्योंकि वेरिएबल नेम से पहले हम एम परसेंट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि एम परसेंट हमें लोकेशन बताता है कि स्कैनएफ को कैसे पता चलेगा कि जो भी यूज़र ने डेटा इनपुट किया है वो कहाँ जाके सेव करना है। तो इसलिए हम जो मतलब पहले तो हम बता देते कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने बता दिया कि इस टाइप का हमारा जो भी डेटा है वो इस टाइप का होने वाला है कि इंटीजर टाइप का होने वाला है, करेक्टर टाइप का होने। उसके बाद जब हम वेरिएबल नेम से पहले एम परसेंट लगा देते तो हम लोकेशन दे देते हैं उस वेरिएबल नेम की कि उस डेटा टाइप का, उस पर्टिकुलर डेटा टाइप का जो भी हमारा डेटा है वो उस वेरिएबल में आके सेव होने वाला है। तो इस तरीके से हमारा एम परसेंट काम करता है कि हमने वेरिएबल से पहले एम परसेंट लिख दिया तो उसने उस तो मतलब एम परसेंट ने लोकेशन दे दी उस वेरिएबल की जहाँ पे हमारा डेटा सेव होने वाला है, और वो डेटा सेव होगा जो कि यूज़र के थ्रू इनपुट किया गया है। अब हम कुछ की पॉइंट्स दोबारा से याद कर लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है प्रिंट एफ फंक्शन के लिए और स्कैन एफ फंक्शन के लिए। तो प्रिंट एफ जो है हमारा और जो स्कैन एफ है, तो प्रिंट एफ हमारा डिस्प्ले करने के लिए होता है हमारे आउटपुट को, और स्कैन एफ हमारा रीड करने के लिए होता है इनपुट को। और जो हमारे प्रिंट एफ और स्कैन एफ है ये डिक्लेयर किए गए हैं हमारे stdio.h हेडर फाइल के अंदर जो कि अवेलेबल है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में। और जितने भी सिंटैक्सेस है हमारे केस सेंसिटिव है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसलिए तो जो हमारा प्रिंट एफ और स्कैन एफ है वो हमारा केस सेंसिटिव है। तो इसलिए तो एक भी जो भी लेटर है हमारा प्रिंट एफ और स्कैन एफ का ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, सारे के सारे स्मॉल में ही होने चाहिए जितने भी हमारे लेटर्स हैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शन के, या हमारे दूसरे भी फंक्शंस हैं तो उनके भी लेटर हमारे स्मॉल में होने चाहिए क्योंकि हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल करेक्टर्स की। तो स्पेशल करेक्टर्स में हमारे पास यहाँ पे कुछ करेक्टर्स हैं, जैसे कि देखिए कॉमा है, कॉमा बेसिकली हम सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। एम परसेंट जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एम परसेंट हम एड्रेस देने के लिए वेरिएबल से पहले लिखते हैं, और एड्रेस देते मतलब हम अपने कंप्यूटर को बताते हैं कि जो भी डेटा आने वाला है तो उस वेरिएबल में जाके सेव होगा, तो एम परसेंट हमारा एड्रेस बताता है। डबल कोट्स का इस्तेमाल हम अपने प्रिंट एफ फंक्शन में भी करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन में भी करते हैं। उसके बाद हमारा जैसे कि स्लैश बैक स्लैश बैक स्लैश, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक स्लैश एन होता है हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे भी इस तरीके के हम उनमें उनमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। प्लस माइनस हमारे कैलकुलेशन के लिए, इक्वल्स टू हमारा असाइन के लिए। तो ये हमारे स्पेशल करेक्टर्स हैं, इनका कहीं ना कहीं यूज़ है जो हम अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में एक एक करके समझेंगे। हमारे पास वाइट स्पेस भी हैं कुछ, जैसे कि स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, न्यू लाइन और फॉर्म फील्ड। तो इन सब का हम इस्तेमाल अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, जिसमें हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे सारी चीज़ें कि किस तरीके से हमारा जो भी है स्टोर हो रहा है, डेटा हमारा स्टोर हो रहा है वेरिएबल में, और किस तरीके से हम प्रिंट एफ के थ्रू हम जो भी हमारा डेटा है उसे डिस्प्ले करा रहे हैं आउटपुट आउटपुट स्क्रीन पे, या फिर स्कैन एफ के थ्रू हम किस तरीके से अपने डेटा को रीड कर रहे हैं और वो डेटा किस तरीके से सेव हो रहा है हमारे वेरिएबल्स में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ये वीडियो हमारी यहीं पर ओवर होती है। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।